बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज मैं आपको घर में पेडीक्योर करने का तरीका बता रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बहुत आसान है। तो ये रोज़ डेली जो डस्ट हमारे पैरों पे चढ़ जाती है, तो हम लोगों को इसको 15 दिन के बाद पेडीक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको, तो आप देखिए ज़रा। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। मैं आपको देखिए फूड भी दिखाती हूँ और साथ में सारा कुछ आपको मिक्सिंग करके दिखाती हूँ। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और फ्रेंड, आपको बताते चलूँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें और मुझे कमेंट्स में अपने ज़रूर बताइएगा कि आपने पेडीक्योर किया है तो कैसा आपका रिज़ल्ट रहा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने इसमें ये क्यूने का ब्लीच ऐड किया है। ठीक है, मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है, ये देखिए। ठीक है, मैंने इसमें क्यूने का पाउडर ऐड किया है, मैंने ये वाले 2 कैप क्यूने के ऐड किए हैं और ये 1 कैप मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है, और साथ मैंने बेबी पाउडर ये थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से क्यूने की ब्लीच काफ़ी पतली होती है, इसको थिक करने के लिए इसके साथ इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। कोई भी आप बेबी पाउडर यूज़ कर सकती हैं इसमें, जॉनसन्स, ब्लैक कैट, कुछ भी, कोई भी पाउडर। ठीक है, और मैंने इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। पाउडर बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, मैंने ये वाला 1 कैप पाउडर यूज़ किया है। ठीक है, ये वाला 1 कैप मैंने पाउडर यूज़ किया है और ये वाले 2 कैप मैंने ब्लीच की ऐड की है। अभी ये देख लें आप फ्रेंड, ये देखिए अभी आप पैरों पे, आपको पता है डेली जो डस्ट वगैरह हो जाती है, तो इसको रिमूव करने के लिए 15 डेज़ के बाद आप घर में पेडीक्योर कर सकते हैं। ये देखिए कैसे समटाइम ब्लैकिश हो जाती हैं हमारी ये चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ब्लीच कर रही हूँ। इस तरह से मैं ब्लीच लगा रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, समटाइम नेल्स के ऊपर ब्लीच लगाने से नेल्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो नेल्स को बचाइएगा और वीक भी हो जाते हैं नेल। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे वाले फुट के ऊपर भी अच्छी तरह से ये ब्लीच लगा ले। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये कैसे ये चीज़ें ब्लैक हुई हुई हैं, तो इनसे बहुत अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो हम लोग फुट मसाज कर रहे थे, पेडीक्योर करना मैं आपको बता रही थी, तो साथ में आपको मसाज भी मैं बताऊंगी। ठीक है, और ये देखिए अभी, ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे ये ब्लीच लगाई थी फ्रेंड के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेबी ऑयल ऐड कर रही हूँ। सिक्स 7 ड्रॉप्स तकरीबन मैंने ना बेबी ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, थोड़ा सा इसके अंदर बेबी शैम्पू ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा ना करिएगा। ठीक है, अभी इसको मैं तकरीबन 15 मिनट मैं ये पानी में डिप करके रखूँगी। और फ्रेंड, मुश्किल नहीं है, अगर किसी के पास ये नहीं है तो आप सादा टप में पानी लें, उसमें एक लेमन डालें, थोड़ा सा नमक डालें, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है,
और बेबी शैम्पू डालें और थोड़ा सा बेबी ऑयल डालें और इसको 15 मिनट आप उसको डिप करके रखें। ओके फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप कैसे इसकी झाग बनना शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से पैरों को ये देखें फ्रेंड, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ब्राउनी निशान थे, सब ब्लैक हुआ हुआ था। ये देखिए फ्रेंड, आपके सामने इसका रिज़ल्ट देख सकते हो आप, इसको सब निशान ख़त्म हो गए। अभी मैं इसके ऊपर अच्छे से मसाज करूँगी। ठीक है, मैं वो आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मेरे पास मसाज के लिए क्या है, इसका पेडिक्योर करने के लिए मेरे पास क्या है। मेरे पास जेंसन का है ये। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर स्क्रब करने लगी हूँ। ये देखें फ्रेंड, और ये बहुत अच्छा है हाउसवाइफ के लिए। और सबसे बढ़ के मैं आपको फ्रेंड एक बात बताऊँ, ये मैं खुद के ऊपर ट्राई कर रही हूँ, मैंने इसमें कुछ भी फेक नहीं डाला, ना मैंने आपको कुछ फेक बताया है, जो कुछ भी था सब आप खुद देख सकते हैं। और बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनको पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता, बच्चों में उलझ के रह जाता है इंसान शादी के बाद, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को घर में मेंटेन रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं 5 मिनट तकरीबन इसको ऐसे कर रही हूँ स्क्रब को मैं अच्छी तरह से। और ये मैंने जेंसन का क्लिंजिंग लगाया है। अब ये क्लिंजिंग को अच्छी तरह इसको 5 से 10 मिनट हमने इसको इस तरह से मैं कर रही हूँ फ्रेंड, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने है सारा। मैंने कुछ भी फेक नहीं किया। साथ साथ आपको फ्रेंड बताऊं, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। आपको कोई टेंशन है, आप कोई परेशानी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आपको हल बताऊँगी। बहुत अच्छा, जिसके पास घर में ये पेडिक्योर वाली मशीन नहीं है, आप घबराएं मत, आप टप में पानी लें, उसको थोड़ा सा नीम गरम कर लें, उसमें आप लेमन ऐड करें, 1 चम्मच नमक ऐड करें, सादा नमक जो आपके घर पर होता है। अच्छा फ्रेंड, ये देखें कितना अच्छा से इसका मसाज हो गया है। ठीक है, मैंने इसकी क्लिंजिंग भी लगाई है। ठीक है, अभी पैरों को आप अच्छी तरह से इसमें वॉश कर लें इसी पानी में। मैं अभी आपको रिज़ल्ट दिखाना चाह रही हूँ। एक्चुअली बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो पार्लर नहीं जा पाती, बच्चों के साथ टाइम नहीं निकाल पाती, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताती चलूँ, मैंने कुछ भी फेक नहीं किया है, मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो आपके घर पे मौजूद नहीं होती है। आप अपने घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत अच्छा से पेडिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसका रिज़ल्ट एक्चुअली दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो। आप इसका पैरों का रिज़ल्ट देख सकते हैं, देखिए कैसे ब्राउनी हुए थे,
ब्लैक इशू हुए हुए थे मेरे पैर काफ़ी दिनों से। मैं ये सर्विस करना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ओके फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, रिज़ल्ट देख सकते हैं। देखें देखें, मैंने कुछ भी इसके ऊपर फेक नहीं लगाया और देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप भी घर बैठे ये सब कुछ कर सकते हैं, खास करके हाउसवाइफ जो पार्लर नहीं जा सकती हैं वो घर में पार्लर जैसा रिज़ल्ट कर सकती हैं। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और पार्लर जाने का तो बिल्कुल भी बच्चों में टाइम नहीं मिलता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वजह से मैं इस तरह के काम अपने घर में करती हूँ। तो फ्रेंड, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। और साथ ही साथ फ्रेंड, आपको बताती चलूँ, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें, मुझे फॉलो करें, ताकि मैं जो भी अपनी नई वीडियो बनाऊं और आप तक इजीली पहुंच सकें। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।